हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल डिजिट न्यूज़। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि पीएफ के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी जॉब कर्मचारी कर रहे हैं और जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी ही परेशानी आ रही है कि जो मेरा पीएफ का जो बैलेंस है वो कितना है, तो जान नहीं पाते अपना बैलेंस और जितना मेरा जो मंथली डिडक्ट होता है पीएफ वो कितना होता है। तो सबकी परेशानी आ रही है, इसके लिए लोग साइबर कैफ़े जाते हैं, नज़दीकी जो उनके साइबर कैफ़े है वहाँ चार्ज देना पड़ता है, उनको टाइम भी उनका वेस्ट होता है। तो इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, निश्चिंत रहिए, आप घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल के होम पेज पर जाना होगा और सर्च करना होगा ईपीएफओ। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ सर्च बार पे ईपीएफओ लॉगिन, इस पर सर्च करना है आपको। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे ही सर्च करेंगे आप, यहाँ देखिए सेकंड जो लिंक आ रहा है मेंबर होम ईपीएफओ सेकंड, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस होगा, आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर देखिए थ्री डॉट बन के आ रहा है ब्लूटूथ के बगल में, तो यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देते हैं। अगर लैपटॉप नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं, फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब यहाँ पे अपना ईवन नंबर और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट डालना है और यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है। अगर आपके पास ईवन नंबर नहीं है तो जहाँ जॉब करते हैं सैलरी स्लिप मिली होगी वापस में आपको ईवन नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना आपका पीएफ का हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, जहाँ से अपना बैलेंस आप अपना यूएन नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं क्या है मेरा। इसके लिए मिस कॉल करना होगा आपको उसके नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, तो आपका यूएन नंबर मिल जाएगा आपको। तो मैं कैप्चा डालता हूँ, मैंने अपना यूएन नंबर और पासपोर्ट डाल दिया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ मैं जैसे ही अपना कैप्चा डालूंगा उसके बाद लॉगिन करूंगा, साइन इन करूंगा, माफ़ी चाहूंगा। साइन करते हैं कैप्चा डालने के बाद, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेटर पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर देखिए यहाँ जो व्यू आ रहा है उस पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। थोड़ा तो ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस होगा, फोर ऑप्शन आ रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है पासबुक, पासबुक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पे दोबारा आपको अपना यूएन नंबर और पासपोर्ट डालना है लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना यूएन नंबर और पासपोर्ट, यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है, लॉगिन करते ही आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ देखिए गाइज, आपको अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। मेंबर आईडी वो होता है जहाँ आप जॉब करते हैं उसकी मेंबर आईडी बननी होती है। तो मैं यहाँ जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे तीन मेंबर आईडी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने तीन कंपनियों में जॉब किया जहाँ मेरा पीएफ कटा है, तीन कंपनियों का। ठीक है, तो अगर आपने किया होगा जितनी कंपनियों का मेंबर आईडी आएगा, सबसे ऊपर देखिए जो लेटेस्ट आता है, जहाँ आप लेटेस्ट कंपनी अभी जो फिलहाल में जॉब कर रहे हैं ना गाइज, तो उसका सबसे ऊपर आपका मेंबर आईडी मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी सबसे ऊपर जो शो कर रहा है उसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने एक ही कंपनी में जॉब की है तो एक ही मेंबर आईडी आएगा आपके पास। मैंने तीन कंपनियों में किया था, मैंने तीन कंपनियों का पीएफ कटा है, जितना भी कटा है तो उसका तीन मेंबर आईडी शो हो रहा था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको व्यू पासबुक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ मेरा बैलेंस शो हो रहा है। सबसे लास्ट में देखिए टोटल ईयर बैलेंस, टोटल बैलेंस, ठीक है, 6338 लास्ट वाला टोटल बैलेंस है वो आपका मेन बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे के साइड देखिए आपका डेट, फाइनल ईयर सब कुछ शो हो जाएगा कि आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ था कब हुआ था। ठीक है गाइस, यहाँ पे कितना आपका डिडक्ट होता है सब को यहाँ शो कर देगा आपका, इस मंथ का कितना मेरा पी एफ एम्प्लॉई शेयर आया, एम्प्लॉई शेयर कितना है, कितना मिला है मुझे मंथली, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं आप, यहाँ डेट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे अपने फ़ोन में अपना पीएफ का जो बैलेंस है वो देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका चार्ज भी बचेगा और आपका जो समय है वो भी बचेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, चिंता करने की बात नहीं है। अगर वीडियो गाइज पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।